अरे भूल गया। तो आ गए फिर से ठरके बाबा का चैनल पे। अच्छा है, अरे बहुत ही अच्छा है। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं मुकेश अंबानी का घर, वो भी माइनक्राफ्ट में। तो बने रहो लास्ट तक। उड़ी बाबा, सबसे पहले जमीन के ऊपर हम लोगों ने और एक प्लेन जमीन बनाया जिससे घर बनाने में आसानी हो, क्योंकि ये जगह बहुत ही ऊबर खाबर है। अरे मैं तो बौखला गया बाबा, ये जमीन बनाते बनाते मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया रे। तो फाइनली बेहतरीन लुक के साथ हम लोगों का प्लेन जमीन रेडी है। तो कैसा लग रहा है नीचे कमेंट जरूर करना। उसके बाद घर का हम लोगों ने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया जिससे घर बनाने में बहुत ही आसानी हो जाए और बिना कंफ्यूजन के साथ। तो स्ट्रक्चर भी रेडी है मामू, देख लो कैसा है। इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए हम लोगों ने मैट फिनिशिंग यूज किया है। फिर हम लोग ग्राउंड फ्लोर को बेहतरीन लुक देने के लिए व्हाइट कलर का वॉल यूज किया, एंड ये लुक और भी ज्यादा अमेजिंग लगे इसलिए हम लोगों ने शीशे का यूज किया। फाइनल लुक ये रहा। उड़ी बाबा, नेक्स्ट लेयर बनाने के लिए हम लोगों ने लाइटनिंग वॉल एंड लाइटनिंग खंबा का यूज किया, देखो कैसा है फाइनल लुक। ये भी मैट फिनिशिंग के साथ। फिर नेक्स्ट फ्लोर दिखने में कुछ डब्लू टाइप का था, पर हम लोग डब्लू छोड़ के एम बनाया क्योंकि मुकेश अंबानी का नाम एम से स्टार्ट होता है। तो फाइनल लुक आप लोग देख ही सकते हैं, मैट फिनिशिंग लुक। फिर हम लोगों ने इस रूम को लाइटनिंग बनाने के लिए लाइटनिंग टाइल्स का यूज किया। बन के रेडी हो गया, इचका इचका कैसा लगा देखो। नेक्स्ट एम के पीछे व्हाइट वॉल से एक लेयर बनाया सेम टू सेम फोटोजेनिक दिखने के लिए, एंड लोहे का खंभा भी हम लोगों ने यूज किया इसके ऊपर। एक दफा नजर डाल ले इसके ऊपर। फिर 3D लुक देने के लिए स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा मोटा किया जिससे थोड़ा सा 3D लगे। नेक्स्ट एम के पीछे एक छोटा सा गार्डन है, आप लोग फोटो में देख ही सकते हो। तो वही सेम टू सेम गार्डन बनने का हम लोगों ने कोशिश किया बहुत ही बेहतरीन लुक के साथ। गार्डन बन के रेडी है, आप लोग देख ही सकते हो। कैसा लगा कमेंट डाउन जरूर करना, आप लोगों को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाबा, नेक्स्ट ईयर बनाने के लिए हम लोगों ने लावा का वॉल एंड उसके ऊपर में शीशे का वॉल यूज किया। फिर इसको रियलिस्टिक दिखाने के लिए थोड़ा सा हम लोगों ने लोहे का भी वॉल यूज कर लिया, देखो कैसा लग रहा है, फोटो की तरह लग रहा है या नहीं। जॉन बिल्डिंग बना के बनेगा मजदूर। नेक्स्ट फ्लोर बनाने के लिए हम लोगों ने लाइटनिंग खंभा यूज किया और उसके ऊपर में एक लावा का वॉल यूज किया, और 3D लुक देने के लिए हम लोगों ने लोहे का 3D वॉल यूज किया। माय नेम इज चिंगम, मैंने ये फ्लोर बनाने के लिए शीशा और लावा का टाइल्स यूज किया, देखो। जानी मेरा नाम है मजदूर झार कुमार, अपन ने गुलाबी वॉल से खंबा बनाया सेम टू सेम बोले तो फोटो। आओ नेक्स्ट फ्लोर बनाने के लिए हम लोगों ने काला वॉल यूज किया, इचका इचका। उसके पीछे हम लोगों ने ग्रीन कलर का वॉल बना दिया, एंड बाहर से इसी वॉल को लोहे का 3D वॉल से फाइनल टच दिया हम लोगों ने। फिर लास्ट जगह बचा था जहाँ पे हम लोगों ने लाइटनिंग वॉल का यूज किया। फाइनल लुक आप लोग देख ही सकते हो। गाइस, इस घर को बनाने के लिए मैंने बहुत ही मेहनत किया है, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड थोड़ा सा लाइक कर लो। नेक्स्ट लेयर बनाने के लिए हम लोगों ने ग्रे कलर वॉल का यूज किया, देख लो एक बार कैसा है। नेक्स्ट फ्लोर में हम लोगों ने ग्रे कलर वॉल से डिजाइन किया एंड जिसका फाइनल लुक था ये, देखो। अरे बारिश में मजदूरी कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर देना अच्छा लगे तो। लास्ट एक ही फ्लोर बचा था बे, जिसको बनाने के बाद पूरा घर बन गया। ये है फाइनल लुक। एक्चुअली में मुकेश अंबानी की घर की तरह लग रहा है या नहीं कमेंट डाउन जरूर करना। बहुत ही मेहनत लगा है गाइस, आप लोग लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो।